सजर के नेहरू कॉलेज में मंत्री सीमा त्रिका, शिक्षा विभाग हरियाणा की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण और सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बेहतर कार्य करने वाले शिक्षा विभाग के कर्मचारी को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया। स्कूलों में सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के बजाय जय हिंद बोलने के लिए भी स्कूल संचालकों को आदेश दिए गए। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल द्वारा दिए गए बयान पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने पलटवार किया है, कहा कि हरियाणा में बच्चे हरियाणा बोर्ड तो पढ़ते हैं लेकिन बच्चों के पास पीएम श्री स्कूल भी पहुंचे हैं और आज हरियाणा के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल आए हैं जिसके तहत बच्चे हमारे CBSE पढ़ रहे हैं। पीएम और सीएम ने कभी किसी घर पर ताला लगाकर उसका रोजगार छीनने का काम नहीं करते, वे रोजगार देने का काम किया। मैं तो पूर्व शिक्षा मंत्री जी का थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करना चाहती हूँ कि आज 25 लाख बच्चों को नायब सिंह सैनी सरकार सेवा दे रही है। मैं पूर्व शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि आज 48 घंटे के अंदर 7,500 से अधिक लोगों को 48 घंटे के अंदर नियुक्ति पत्र मिल गया, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज हरियाणा में बच्चे हरियाणा बोर्ड तो पढ़ते हैं लेकिन बच्चों के पास पीएम श्री स्कूल पहुंचे हैं। आज हरियाणा के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल आए हैं जिसके तहत बच्चे हमारे CBSE पढ़ रहे हैं और आज हरियाणा के बच्चे इन 10 सालों में इस जगह पर पहुंच गए हैं कि देश में होने वाले कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा सरकारी स्कूल का बच्चा उत्तीर्ण करके आगे निकल रहा है।